बेचारा ये रात को एक्सीडेंट हुआ है, आज ही रात को। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं रोड तक न्यूज। दोस्तों इधर से मैं जा ही रहा था कि एक छो बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, बेचारा ड्राइवर भाई तो लगता है कि बचे नहीं होंगे, लेकिन कंडक्टर के तरफ से तो बिल्कुल ही चांसे नहीं है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, हालांकि मैं वहाँ गया था, अभी जाता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ वहाँ का कैसा पोजीशन है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा पहाड़ी घाटी रोड है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, और क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही भारी एक्सीडेंट हुआ है। इसमें ड्राइवर और बता दें आपको कि खलासी का बचने का थोड़ा भी उम्मीद नहीं है। ड्राइवर को तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर हमारे थे वो तो बिल्कुल चांस नहीं है बचने का। मैं आपको दिखा दूं, इधर बहुत ही पहाड़ी है, मतलब एकदम चढ़ान और पहाड़ी है। इधर रोड देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही घाटी रोड है, और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और बता दूं दोस्तों बहुत ही भारी एक्सीडेंट हुआ है। हमारे ड्राइवर भाई सो लोग हैं, देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी पूरा तरह से एक तरफ से ख़त्म है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें कोयला लोड है, अब पलटी हो रहा है माल, क्योंकि मान लीजिए कि माल तो पहुँचाना है, गाड़ी तो इतना जल्दी होगा नहीं, हमारा लेबर लोग भी काम कर रहे हैं। इस पर आपको नंबर दिखा दूँ, OD 16H 5807, यानी कि 5807 नंबर है। बैरिकेड लगा दिया गया है यहाँ पे। अभी आपको बात भी कराऊंगा उस मालिक से जिसका गाड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं काम वम हो रहा है, काम चल रहा है यहाँ पे, तो मैं बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे क्या है कि इस गाड़ी का अब तो ये चलने लायक नहीं है, इसको टोचन ही करके ले जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसमें जो भी डीजल है वो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई रहेगा नहीं। क्या भैया, यहाँ पे तो अब कोई रहेगा नहीं, अब तो टोचन करना पड़ेगा, क्रेन से लेके जाएगा, क्रेन से जाएगा। तो मान लीजिए डीजल रह के कोई फ़ायदा नहीं है, मान लीजिए दूसरा गाड़ी से तो जाना है ना माल को, इसलिए हमारे भाई साहब लोग डीजल को निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डीजल भी रख के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो अब चलने लायक ही गाड़ी नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी ख़त्म हो चुकी है एक तरह से, सामान सब, मतलब कुछ अब बचा ही नहीं है इसमें। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी तरह से गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। और ये जगह बता दूं तो ये बड़बिल, जो आप रावल किला से बड़बिल के तरफ जाएंगे तो घाटी पड़ता है, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को।